इस वीडियो में मैं आपको पमिंग करना सिखाऊंगी, यानी कि स्ट्रेट बालों को कैसे परमानेंटली कर्ल करते हैं वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने ऐसे बहुत सारे टिप्स बताए हैं जिनको फॉलो करके आप किसी भी तरह के बालों में और किसी भी मौसम में सक्सेसफुली पमिंग कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ संगीता डेजी। पमिंग करने के लिए ये वेलोसिटी लोशन चाहिए। ये वेलोसिटी लोशन की छोटी वाली पैकिंग है, इसमें एक बड़ी पैकिंग भी आती है। इतने बालों में इस लोशन की हमारी 2 बॉटल्स लगी हैं। ये न्यूट्रलाइजर है, इसको आपको अलग से नहीं परचेज करना होता। जब आप वेलोसिटी लोशन खरीदते हैं उसके साथ ही ये आपको मिलता है। ये बटर पेपर है, ये बटर पेपर भी वेलोसिटी की पैकिंग में साथ में ही आता है, लेकिन ये जनरली कम पड़ जाता है, इसलिए आपको बटर पेपर की शीट भी अलग से परचेज कर लेनी चाहिए। पमिंग करने के लिए ये वुडन रोलर्स ज्यादा बढ़िया रहते हैं और आपको इसी साइज के रोलर लेने हैं, इससे बड़े रोलर नहीं लेने हैं। आप चाहें तो इस तरह के प्लास्टिक के रोलर्स भी आप ले सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमें पमिंग करने के लिए क्या क्या सामान लेना है। जब आप वेलोसिटी लोशन खरीदेंगे उसमें आपको वेलोसिटी लोशन, न्यूट्रलाइजर और ये बटर पेपर की शीट मिलेंगी। इसके अलावा एक आप अलग से बटर पेपर की शीट खरीद लें और ये रोलर्स ले लें। सबसे पहले जो पैकिंग में आपको बटर पेपर मिला है उसमें से सारे बटर पेपर आप अलग कर लें, और जो ये शीट हमने अलग से खरीदी थी इसमें से भी आप लगभग इसी साइज के पीसीस काट कर रख लें। ये आपके पास लगभग 100 के करीब शीट्स होनी चाहिए। ये वुडन रोलर्स पर इस तरह से एक साइड पर रबड़ फंसा कर रख लें। आपके पास कम से कम 100 रोलर तो होना ही चाहिए। अभी ये जो मैंने 2 काम आपको बोले हैं, बटर पेपर की शीट्स को कट करके रखना और रोलर्स पर रबर चढ़ा के रखना, ये दोनों काम आप पमिंग शुरू करने से पहले रेडी करके रखें। जिस दिन आपको पमिंग करनी है उस दिन आपको बालों को शैम्पू करना है। प्लेन शैम्पू से आप बालों को वॉश करें, कोई भी कंडीशनर उस दिन आपको बालों पर नहीं लगाना। यदि आपके बाल गीले हैं तो पहले ड्रायर से 100% बालों को सुखा लें, और यदि आपके बाल ऑलरेडी सूखे हैं तो फिर आपको ड्रायर करने की जरूरत नहीं है। अब बालों को आगे से और पीछे से इस तरह से 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लें। लोशन अप्लाई करने से पहले आप हाथों में ग्लव्स जरूर पहने। अब आप छोटे कांच के या प्लास्टिक के बाउल में वेलोसिटी लोशन को निकाल लें। एक बार में आपको थोड़ा ही लोशन बाउल में लेना है, एकदम से बाउल को नहीं भरना क्योंकि ये लोशन हवा में उड़ता है। अब बालों की लेयर के ऊपर कॉटन से लोशन को लगाएंगे। लोशन को रूट, बालों की रूट को छोड़ते हुए लगाना है, और बटर पेपर जो हमने कट करके रखे थे उस बटर पेपर को लेयर की एंड पर इस तरह से रखेंगे। फिर रोलर को नीचे की साइड रखते हुए इनर साइड पर लपेटेंगे। अब ये नीचे की लेयर पर रोलर लग गए हैं और अब हम लोशन को कॉटन से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि जैसे हमने पहली वाली लेयर पर जब रोलर्स लगाने शुरू किए थे
तब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ रोलर लगाए थे और दूसरी वाली लेयर पे हम राइट से लेफ्ट की तरफ रोलर लगाएंगे। और फिर तीसरी वाली लेयर पे हम लेफ्ट से राइट की तरफ रोलर लगाएंगे। इस तरह से आपने सारी लेयर्स पर रोलर्स लगाने हैं। इस तरह से रोलर लगाने से पूरे हेड पर रोलर्स एक जैसे लगते हैं। पम्पिंग करते वक्त आप बालों की एक बार में मोटी लेयर ना लें। और इसके अलावा यदि आपके पास एक जैसे रोलर नहीं है, कुछ मोटे रोलर हैं और कुछ पतले रोलर हैं, तो मोटे वाले रोलर्स को आप पहले नीचे की लेयर पर लगा दें और बीच बीच में आप रोलर्स के ऊपर लोशन को कॉटन से अप्लाई भी करते जाएं। लेयर के ऊपर रोलर लगाते हुए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो लेयर है उसको 90 डिग्री एंगल पर रखते हुए रोलर को लपेटें। 90 डिग्री एंगल पर रखने से क्या होता है कि लेयर के जितने भी बाल हैं वो इक्वली स्ट्रेच होते हैं। और यदि आप 90 डिग्री एंगल पर नहीं रखते हो तो लेयर के कुछ बाल आपके लूज पड़ सकते हैं और बालों में खिंचाव भी आ सकता है। इसलिए लेयर को 90 डिग्री एंगल पर रखते हुए ही रोलर को लपेटें। पीछे की साइड के हमारे सारे रोलर्स लग चुके हैं। अब हम ऊपर की साइड के रोलर्स के ऊपर ही कॉटन से लोशन को अप्लाई करेंगे। नीचे के रोलर्स पर आप लोशन को ना लगाएं, क्योंकि जैसे यदि आप सिंगल हैंडेड पम्पिंग कर रहे हैं तो आपको पूरे बालों में रोलर्स लगाने में 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो हमारे जो नीचे के रोलर्स हैं उनको सुफिशियंट समय मिल जाता है, आपको उनके ऊपर बार बार लोशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हमने आगे के हिस्से पर रोलर लगाने हैं। इसके लिए आप सेंटर से इस तरह से बालों को अलग कर लें और साइड से आप इस तरह से पार्टिंग करते हुए रोलर लगा लें। जो आपका सेंटर का पार्ट है उस पर जब हम रोलर्स लगाएंगे तब आप इस तरह से जिग जैग पार्टिंग निकालेंगे और फिर लेयर्स लेते हुए उनके ऊपर रोलर्स लगाएंगे। यहाँ पर हमने जिग जैग पार्टिंग इसलिए की है ताकि जो हमारे रोलर्स हैं वो सारे बालों पर इक्वली फॉल करें, वो अलग से जो सेंटर पार्टिंग है वो ना बने। पहले आप दोनों साइड से रोलर लगा लें, फिर आप सेंटर से रोलर लगाना शुरू करें। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछें। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है कि क्वेश्चन पूछने से पहले आप सारा वीडियो पूरा अच्छे से देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तब आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। यदि आप वीडियो का ये पार्ट देख रहे हैं इसका मतलब आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है और आपको समझ में भी आया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप YouTube पे जितने भी ट्यूटोरियल देखते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और हमारा वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो ये चैनल की बढ़ोतरी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और इसलिए यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे द्वारा बताई बात आपको समझ में आती है अच्छे से, तो जैसे मुझे कमेंट्स में पता लगता है कि बहुत सारे लोग काफ़ी फायदा ले रहे हैं वीडियो से, तो आप चैनल को जरूर जरूर शेयर करें। ये चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पूरे बालों में रोलर्स लग चुके हैं, अब ऊपर के रोलर्स पर आप लोशन को अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे कि आपको जो सबसे नीचे वाले रोलर्स हैं उन पर लोशन को अप्लाई नहीं करना,
सिर्फ ऊपर के रोलर्स पर ही आपको लोशन को अप्लाई करना है। आप हर 20-20 मिनट बाद इस लोशन को रिपीट करेंगे। ध्यान रहे, कम से कम 3 बार तो आपने 20-20 मिनट बाद इस लोशन को लगाना है। 50 मिनट बाद आप नीचे का रोलर खोलकर चेक करेंगे कि आपके जो वेव है वो कैसी आ रही है। यदि वेव टाइट आ रही है तो इट मींस आपके बाल पर्म हो चुके हैं और हम नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और यदि वेव टाइट नहीं है तब हमें बालों को और थोड़ी देर तक छोड़ना होगा और फिर हमें लोशन को अप्लाई करते रहना है। किसी किसी के बालों में टाइट कर्ल बनने में 1.5 घंटा से 1.5 घंटा भी लग सकता है। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रोल को खोलकर चेक करते रहना है कि बालों का वेव कैसा बना है और फिर उस जिस बाल को आपने खोलकर चेक किया है उसको आपने दोबारा से रोलर में लपेट देना है। ये पम्मिंग की जो टाइमिंग्स है वो बालों की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आपके बाल वर्जन है तब आपकी पम्मिंग 50 मिनट तक हो जाएगी और यदि आप बालों में बहुत ज्यादा मेहंदी लगाते हैं तब आपके बालों में 1 घंटा 1.25 घंटा और इवन 1.5 घंटा भी लग सकता है। ये हेयर टू हेयर डिपेंड करता है, ये आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर जिस दिन आपने पम्मिंग की है उस दिन मौसम में बहुत ह्यूमिडिटी है, जनरली बारिश आने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उस केस में आप बालों को शावर कैप से या किसी लिफाफे से कवर करेंगे और ऊपर से ड्रायर करेंगे। और यदि आपके ह्यूमिडिटी भी नहीं है, मौसम साफ है और फिर भी आपके बालों में पम्मिंग नहीं हो पा रही है तब भी आप किसी शावर कैप से या लिफाफे से बालों को कवर करके ऊपर से ड्रायर करेंगे तो आपकी पम्मिंग का जो प्रोसीजर है वो फास्ट हो जाएगा। इसमें हम जनरली बालों को हीट देते हैं, हीट देने से जो पम्मिंग है वो जल्दी हो जाती है। हमारे रोलर लगे 1 घंटा हो चुका है, हम नीचे का एक रोलर खोलकर चेक कर रहे हैं कि पम्मिंग का क्या रिजल्ट आया है। जैसे हमने खोलकर देखा तो हमारा वेव इस तरह से बन रहा था, तो हमने इसको दोबारा से रोलर में लपेट दिया और फिर एक बार दोबारा से पूरे बालों में हमने लोशन को अप्लाई किया और ऊपर से ड्रायर किया। इसके 10 मिनट बाद हमने नेक्स्ट प्रोसीजर को फॉलो किया। ये हम नॉर्मल टैप वाटर से रोलर्स को वॉश कर रहे हैं और यदि विंटर्स है तो आप ल्यूक वार्म वाटर भी ले सकते हैं। सभी रोलर्स को अच्छे से पानी से वॉश कर लें ताकि जो हमने लोशन लगाया था वो बालों से निकल जाए। आपने सभी रोलर्स के ऊपर अच्छे से पानी डालना है। टॉवल ड्राई करने के बाद अब बालों में ड्रायर करेंगे। यदि आपके ड्रायर में कूल एयर वाला ऑप्शन है तो पहले पूरे बालों में कूल एयर दें, फिर उसके बाद आप हॉट एयर दें। यदि आपके ड्रायर में कूल एयर वाला ऑप्शन नहीं है तो आप पहले लो हीट पर ड्रायर करें, फिर उसके बाद आप हाई हीट पर ड्रायर करें। यहाँ पर ड्रायर से आपको बालों को पूरी तरह से सुखाने की जरूरत नहीं है, बस जो पानी टपक रहा है वो टपकना बंद हो जाए, लगभग आपके 40-50% तक बाल सूख जाएं। अब हम न्यूट्रलाइजर वाला पानी बनाएंगे। इसके लिए आप ल्यूक वार्म पानी लें, उसमें हम न्यूट्रलाइजर को मिलाएंगे। एक पैकेट न्यूट्रलाइजर के लिए हमें 0.5 लीटर पानी चाहिए। यहाँ पर हमने लोशन की 2 बॉटल्स यूज की हैं, तो हमने 2 पैकेट न्यूट्रलाइजर के लिए 1 लीटर पानी लिया है। आपका जितना भी लोशन यूज हो उसके अकॉर्डिंगली ही आप न्यूट्रलाइजर लें। यदि आपकी 0.5 बॉटल लोशन की यूज हुई है तो आप 0.5 पैकेट ही न्यूट्रलाइजर का लें, उसके अकॉर्डिंगली आप ल्यूक वार्म पानी में न्यूट्रलाइजर का घोल बनाएं। इस न्यूट्रलाइजर के पानी को हमने
सभी रोलर्स के ऊपर 3 से 4 बार डालना है। इसलिए आप पूरे रोलर्स के नीचे एक बाउल रख दें और ताकि जब हम न्यूट्रलाइजर वाला पानी रोलर्स के ऊपर डालें तो वो पानी वेस्ट ना जाए, उसी बाउल में इकट्ठा हो और फिर हम दोबारा से उसी पानी को सभी रोलर्स के ऊपर डालेंगे। आप ये निश्चित कर लें कि सभी रोलर्स के ऊपर न्यूट्रलाइजर वाला पानी 3 से 4 बार डालना चाहिए और इस पूरे प्रोसीजर को आपने 10 मिनट तक करना है। और यदि आपका किसी रोलर के ऊपर न्यूट्रलाइजर का पानी नहीं डला तो आपकी उस रोलर की पंपिंग ठीक से नहीं होगी और वो वॉश होने के बाद खुल जाएगी। इसलिए आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि पूरे रोलर्स के ऊपर आपका न्यूट्रलाइजर वाला पानी अच्छे से डलना चाहिए और ये आपको 10 मिनट तक करना है। न्यूट्रलाइजर का पानी डालने के लिए मैंने स्पंज का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आप पानी डालना शुरू करें। इस तरह से आपको घड़ी की सुई देखकर 10 मिनट तक आपको न्यूट्रलाइजर का पानी डालना है। जब आपके 10 मिनट हो जाएं, फिर इस तरह से थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें ताकि जो भी न्यूट्रलाइजर का पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो बाउल में आ जाए। अब हम प्लेन पानी से रोलर्स को वॉश करेंगे। ये जितना भी हमने न्यूट्रलाइजर डाला है उसको हम प्लेन पानी से सारे रोलर्स को धो लेंगे। यदि आपको लोशन की स्मेल परेशान कर रही है और आप शैम्पू करना चाहते हैं तो रोलर लगे लगाए ही आपको बालों पर शैम्पू करना है। इसके लिए एक बाउल में आप शैम्पू का घोल बनाकर रख लें और उसको पूरे बालों के ऊपर आप डाल दें। फिर आप प्लेन पानी से रोलर्स को वॉश करें। आपको रोलर्स खोलने नहीं है, रोलर्स लगे लगाए ही आपको बालों के ऊपर शैम्पू और प्लेन पानी से वॉश करना है। यहाँ पर मैं रोलर्स को सिर्फ प्लेन पानी से वॉश कर रही हूँ, शैम्पू हमने नहीं किया। ड्रायर से बालों को सुखाना है। यहाँ पर आप बालों को 100% सुखाएंगे। यहाँ पर भी पहले आप बालों पर कूल एयर पास करेंगे, फिर उसके बाद आपने हॉट एयर पास करनी है। जितना मैक्सिमम आप बालों को सुखा सकें आप सूखने दें। बालों को अच्छे से सुखाने के बाद आप रोलर्स को खोल सकते हैं। सभी रोलर्स को आप आराम से खोल लें। सारे रोलर्स हमने खोल लिए हैं। तो अगर आपको ड्रायर करने की जरूरत लग रही है, ड्रायर को आपने नीचे से पकड़ते हुए ऊपर की तरफ हवा देनी है। आपको ऊपर से नीचे की तरफ बालों को ड्रायर नहीं करना। 3 दिन तक आपको बालों की अच्छे से केयर करनी है। इसके लिए आप चाहें तो ये जो मूस है ये इस तरह से नीचे से ऊपर को लगाते हुए आपने मूस लगाना है। ऊपर से नीचे की तरफ बालों में मूस नहीं लगाना, आपको सिर्फ नीचे के एंड पर ही मूस को लगाना है। ये मूस हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारे जो रोल्स हैं वो स्टेबल रहें, वो नीचे को हैंग ना करें। जो 3 दिन तक आपको बालों की केयर करनी है वो आप आराम से कर सकें। ये मूस बिल्कुल लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं। क्योंकि जैसे समर में अगर आप कर रहे हैं, बारिश के मौसम में, तो उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हम इसमें मूस इस वक्त लगा रहे हैं ताकि नीचे से जो बाल हैं वो आपके रोल्स ना खुलें। आपने 3 दिन तक बालों को में शैम्पू नहीं करना, कॉम नहीं करना, सीधे कूलर के आगे आपको नहीं बैठना,
मतलब आपके बालों में मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए। रात को सोते वक्त आप बालों को पीछे प्लंग के पीछे गिराकर सोएंगे, यानी कि अपने पिल्लो के नीचे दबाकर आपके बालों को नहीं सोना, उनको बाहर की तरफ रखकर सोना है। 3 दिन बाद आप बालों में शैम्पू कर सकते हैं। उम्मीद है आपने पमिंग समझाई है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप पमिंग को कर पाएंगे। और यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। मेरा जो अगला वीडियो है वो लॉरियल एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग के ऊपर है, जिसका वीडियो मैंने शूट करके रखा हुआ है और बहुत जल्दी एडिट करके मैं वो वीडियो भी अपलोड करूंगी। उसके रिगार्डिंग यदि आपकी कोई भी क्वेरी है स्मूदिंग लॉरियल की स्मूदिंग रिबॉन्डिंग के ऊपर, तो आप मुझसे जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगी कि जब मैं वो वीडियो एडिट करूं तो मैं उन सभी सवालों के जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएं। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि देखिए हम वीडियो बनाते वक्त बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों की शेयर करना लाइक करना ये चैनल की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है, इसलिए आप सबसे मेरी ये अनुरोध है कि आपको वीडियो अगर वाकई बहुत अच्छा लगा है तो उसको लाइक का बटन किए बगैर वीडियो बंद मत करें, और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है। और यदि आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो फिर आपको दोबारा से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सिर्फ शेयर और लाइक ही करना है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। मैं हूँ संगीता डेजी।